let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Hey guys, welcome back to the brand new series video. मैंने बोला दोस्तों गाइस आज मैं आपको देने वाला हूं Moto Edge 50 Ultra इस फोन का एकदम डिटेल में रिव्यू. एंड गाइस मैं आप मुझे पता है आपने बहुत सारे वीडियो शायद से देख लिए होंगे, बट वो सिर्फ अच्छी बातें बता रहा है, बट इस फोन का बहुत सारे बुरी बातें भी है, वो भी आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं. जबकि मैं इस फोन को एज माई प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इतने दिन यूज किया है, तब मैं आपको एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा. तो मुझे उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो पसंद आएंगे. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन यार चैनल पे नए हो प्लीज यार क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, खुद के पैसों से फोन को बाय करके इतना डिटेल में रिव्यू लाता हूँ. तो अगर पॉसिबल हो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना. एंड अगर लाइक अभी तक नहीं किया हो ना यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत किया है मैंने इस वीडियो में. ओके आप वीडियो को देखो, आई होप कि आपको पसंद आएंगे. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. ओके गाइस तो वीडियो की शुरू में बात करते हैं बॉक्स कॉन्टेंट के बारे में. एंड इस फोन के अंदर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने को मिलेंगे. जी हां गाइस सैमसंग एंड एप्पल की तरह छोड़ नहीं दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे. ऑलमोस्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि गाइस इससे पहले जो Moto Edge 50 Pro था उसके अंदर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता था, बट इस फोन के अंदर कोई सा भी स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेंगे. उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है. बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ डिजाइन की, तो डिजाइन इस फोन का बहुत ही अच्छा है. इस फोन के अंदर आपको तीनों कलर्स वेरिएंट में देखने को मिलेंगे. मेरे पास जो है वुडन फिनिश के साथ आता है. अब देखो ये जो वुडन फिनिश है ना, ये काफी हद तक आपको रियलिस्टिक वुड का फिनिश देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट आप अगर फोन को पकड़ोगे तो फिर वुडन का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो भी आपको इस फोन के अंदर रियल वुड का स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट गाइस इस फोन को आप अगर सूंघते हो तो एक्चुअल वुड का आपको जो सुगंध आता है, चंदन काट का जैसे सुगंध आता है ना, कुछ वैसे आपको सुगंध भी देखने को मिलेंगे. तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा. Moto वालों ने काफी ज्यादा कोशिश किया है रियलिस्टिक वुड के तरह फिनिश देने का, बट एक्चुअल रियल वुड नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा. इनफैक्ट इसकी वजह से जो स्क्रैच वगैरह है पीछे से वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे. पीछे से स्क्रैच ना ही आएगा, स्पेशली मेरा जो यूनिट है वुडन फिनिश के साथ इसी यूनिट के अंदर. बाकी ये फोन हाथ में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, दोनों ही दिख से कर्व है, इसमें हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल लगता है. इनफैक्ट इस फोन के अंदर आपको मेटल फ्रेम भी देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से काफी प्रीमियम भी लगता है. इन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है. इनफैक्ट गाइस फ्रंट में, इस फोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, बट मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा जरूर से टेम्पर्ड ग्लास को लगा लेना, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाओगे एंड मेरी तरह रफली यूज करोगे तो माइनर स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो. तो टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगा लेना. बाकी गाइस बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन को लेकर मुझे कोई सा भी शिकायत नहीं है. काफी अलग टाइप का डिजाइन Moto ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि डेफिनेटली काबिले तारीफ है. उसके अलावा भी आपको दोनों वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इनफैक्ट गाइस इस फोन का जो वेट है 199 ग्राम, इनफैक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है तो होल्ड करने में भी काफी आसानी होती है. बाकी गाइस इस फोन का हैप्टिक भी कमाल का है, एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का. आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो कोई से भी ऐप को तो फिर आपको एक अलग टाइप का हैप्टिक फील होगा. इनफैक्ट आप अगर टाइप करते हो तो फिर हैप्टिक फील होगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है. तो हैप्टिक को लेकर मुझे कोई सा भी शिकायत नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग हैप्टिक. इनफैक्ट गाइस इस फोन के अंदर आपको IP68 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से फोन फुल टू वाटर एंड डस्ट प्रूफ भी बन जाता है. बाकी गाइस इस फोन का जो स्क्रीन का जो ब्रेजल्स आप देख सकते हो कितना ज्यादा कम है, एक OLED पैनल देखने को मिल जाता है. हालांकि गाइस जो रिफ्रेश रेट है 144Hz, उसको आप अगर ऑटो पे सेट करके रखते हो तो फिर ज्यादातर मामलों में या फिर UI के अंदर 120Hz ही शो करेगा, बट आप अगर उसको 144Hz पे रख दो तो ही ज्यादातर एप्लीकेशन एंड होम स्क्रीन पर 144Hz शो होगा. इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो 144Hz भी रहता है अगर आप उसको 144Hz पे सिर्फ सेट करके रख दो तो ही. बाकी गाइस इस फोन के डिस्प्ले में आपको तीनों कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है. एज डिफॉल्ट विविड मोड पे सेट रहता है एंड विविड मोड पे भी गाइस जो कलर्स वगैरह है मुझे काफी अच्छा लगा. इसके डिस्प्ले में आपको पैंटोन सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, पैंटोन इसका कलर कैलिब्रेशन किया है जिसकी वजह से जो कलर्स वगैरह है काफी अच्छा है. इनफैक्ट गाइस मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्काई का जो ब्लैक है वो काफी अच्छे से मेंटेन किया है Moto एंड वन प्लस की तुलना में, जैसे कि आप देख सकते हो. बाकी गाइस कलर्स वगैरह तो मुझे डिस्प्ले का काफी सही लगा, बट कुछ कुछ जगह पे मुझे प्रॉब्लम नोटिस हुआ. सबसे पहली बात तो गाइस HDR प्लेबैक में नेटफ्लिक्स पे आपको HDR सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ वाइड वाइन येलो वन का सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है. गाइस इस फोन के अंदर आपको HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है एंड यूट्यूब पर डेफिनेटली आप स्मूथली प्लेबैक कर सकते हो HDR वीडियो, इसमें कोई सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा. इससे पहले Moto Edge 50 Pro के अंदर कुछ इशू आया था डिस्प्ले में HDR प्लेबैक को लेकर, बट इस फोन के अंदर वो नहीं है, काफी कमाल का प्ले कर देता है. गाइस आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है, 2500 nits का आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है. आउटडोर विजिबिलिटी
क्वालिटी मस्त है, इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट बेजल्स वगैरह भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है। बाकी आपको पता है एमोलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा फ्लिकर करता है, इस फोन में फ्लिकरिंग ना हो इसलिए फ्लिकर प्रिवेंशन नाम का एक फीचर दिया है, जिसको अगर ऑन कर दे तो लो लाइट पे या फिर ब्राइटनेस को अगर कम कर दे तो फिर फ्लिकरिंग इशू नहीं होता है। मुझे कोई सा भी इतने दिन यूज करके टच इशू या फिर गोस्ट इशू, मुझे गोस्ट टच इशू या फिर कोई सा भी टच इशू मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी गाइस एक और चीज कहना चाहूंगा, एक फोन का जो जिस प्राइस पॉइंट पे आया है 50,000 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था LTPO पैनल, वो इसके अंदर नहीं है, तो ये मेजर डाउनग्रेड मुझे लगा डिस्प्ले में। बाकी डिस्प्ले को लेकर कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस फोन के अंदर AOD या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं। अब देखो मोटो के ज्यादातर फोन के अंदर आपको AOD देखने को नहीं मिलता, एक्चुअल AOD देखने को नहीं मिलता, बट आप अगर फोन को धीरे से टच करते हो या फिर धीरे से शेक करते हो तो फिर फोन का जो लाइट है वो धीमा करके जल उठता है, एंड जिसकी मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पर आप और जो नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं वो यहाँ से देख सकते हो, एंड आप अगर और जोर से नहाते हो या फिर टैप करते हो तो ही ये फुल स्क्रीन में जलता है। बाकी एक अच्छी चीज लगी, आप ये जो डिम होकर जलता है इससे ही आप यहाँ से जो लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हो, इनफैक्ट अगर कोई भी मैसेज आया है तो रिप्लाई भी कर सकते हो। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ स्पीकर्स के बारे में तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, प्रॉपर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से जो क्वालिटी है ऑसम है, उसके ऊपर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो साउंड का जो सेपरेशन है वो काफी अच्छे से आपको फील होगा। इनफैक्ट स्पेशियल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, उसकी वजह से गाइस काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। एक तो स्पीकर का क्वालिटी काफी लाउड है गाइस, विदाउट एनी हेडफोन आप हेडफोन ना लगा के ही जो साउंड है सराउंडिंग साउंड है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिसको हम एकदम मतलब हिंदी में बोले तो 3D ऑडियो या फिर 8D ऑडियो जो भी बोलते हैं, तो आप हेडफोन ना लगा कर ही काफी हद तक महसूस कर सकते हैं, जिसको मैंने खुद नोटिस किया है, चेक किया है। बाकी गाइस हेडफोन से ज्यादा इस फोन के अंदर हेडफोन जैक का गड्ढा तो नहीं है गाइस, मोटो फर्स्ट टाइम मोटो के इस फोन के अंदर हेलो यूआई इंट्रोड्यूस किया है, मोटो का जो पहला UI है उसको डिच करके। बाकी मोटो का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी ज्यादा खराब है, बट मोटो ने प्रॉमिस किया है इस फोन के अंदर आपको 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको कहा मोटो का ट्रैक रिकॉर्ड तो खराब रहा है, बट देखते हैं इस UI के साथ मोटो कितना अच्छा काम किया करता है। बाकी गाइस एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम ऑन किया ना तो इस फोन के अंदर मुझे एक सिंगल ब्लोट वायर्स देखने को मिला, ना तो इस फोन के अंदर कोई से भी एड्स आता है, उसमें से कुछ मोटो का एप्लीकेशन है एंड कुछ गूगल का एप्लीकेशन है। जो मोटो का एप्लीकेशन है वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है, जो कि मैं आपको आगे बात कर रहा हूं इसके बारे में। बट गाइस ये चीज मुझे काफी सही लगी, इस कैटेगरी में ज्यादातर जो प्रीमियम सेगमेंट पे फोन होते हैं उसके अंदर आपको एड्स या फिर ब्लोटर्स आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ज्यादातर दो चाइनीज फोन है उसके अंदर, इस फोन के अंदर ऐसा तो नहीं है। बाकी गाइस देखो पुराना जो UI है एंड जो नया UI है उसके अंदर ज्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस मुझे नहीं लगा। एक तो मुझे नोटिफिकेशन पैनल में एक चेंजेस देखने को मिला, इससे पहले जो क्लासिक वाला था उसको हटाकर ये जो नया काफी हद तक आईफोन से लग रहा है इंस्पायर्ड है, वो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, उसको आप चाहते हो तो यूज कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन पर आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, कुछ फॉन्ट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो, इनफैक्ट कुछ एनिमेशन या फिर इफेक्ट्स भी डाल सकते हो जैसे गाइस आप देख सकते हो। तो इतना मुझे ज्यादातर विजुअली चेंजेस देखने को मिला, बट गाइस जो ऑप्टिमाइजेशन किया है ना वो खतरनाक किया है, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्मूथ ओपन हो रहा है, एनिमेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन के मामले में डेफिनेटली मोटो ने काम किया है हेलो UI के अंदर। एक और चीज मुझे देखने को मिला, सेटिंग्स में जो भी फीचर्स वगैरह है उसको काफी आसान से समझाने के लिए जो एनिमेशन वगैरह प्रोवाइड किया है, जो विजुअल्स वगैरह प्रोवाइड किया है, उसको देख के आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि ये फीचर्स का यही काम है, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी गाइस मोटो का जो लेजेंडरी फीचर्स है चॉप चॉप फीचर्स, जैसे कि आप इस तरीके से शेक करते हो तो फिर कैमरा ओपन हो जाएगा, इस तरीके से टॉर्च ओपन हो जाएगा, ये सब फीचर्स आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट जैसे कि मैं शुरू में थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मोटो के अंदर कुछ मोटो एप्लीकेशन देखने को मिलता है, एंड ट्रस्ट मी गाइस इस फोन के अंदर आपको रेडी फॉर नाम का एक फीचर्स देखने को मिलता है, जो कि कमाल का फीचर्स है। आप डायरेक्टली अपने फोन से कंप्यूटर में कनेक्ट करके आप कोई सा भी एप्लीकेशन मोबाइल फोन का अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं BGM वगैरह खेल रहा था, फाइल कॉपी करना या फिर मोटो के फोन को ट्रैक पैड के तौर पर यूज करना। इनफैक्ट गाइस मोटो के जो कैमरा है इसको वेब कैम के तौर पर भी यूज कर सकते हो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, वो भी वायरलेसली। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा, ये इतने दिन सिर्फ एप्पल और सैमसंग प्रोवाइड करता था, इस बार मोटो ने भी प्रोवाइड किया है। उसके अलावा एक स्क्रीन कास्ट फीचर्स भी आता है, एंड मैंने बहुत सारे स्क्रीन कास्ट यूज किया है जो कि अटक अटक के चलता है, स्पेशली अगर वायरलेस में यूज किया जाए तो। बट ये जो वायरलेस का जो मोटो का स्क्रीन कास्ट यूज किया है मैंने, काफी ज्यादा मुझे स्मूथ लगा, ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर इस प्राइस पॉइंट में ना तो प्रोवाइड करता है, अगर प्रोवाइड कर भी देता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से आप अगर कर भी दो तो काफी ज्यादा अटक अटक के चलता है। बट इस फोन के अंदर इनबिल्ट दिया है जो कि काफी ऑप्टिमाइज है,
काफी स्मूथ काम करता है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको USB 3.1 पोर्ट देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी रेयर है। इसकी वजह से आप एक्सटर्नल डिस्प्ले को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड भी काफी फास्ट होगा। इनफैक्ट गाइस इस फोन के अंदर आपको सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिलता है एंड सिक्योर फोल्डर के अंदर आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हो, ऐप हाइड कर सकते हो। इनफैक्ट जैसे कि आपका प्राइवेट फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट हो वो आप उसमें सेंड कर सकते हो या फिर रख सकते हो, जैसे कि आपको सैमसंग के सिक्योर फोल्डर में देखने को मिलता है। गाइस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस फोन के अंदर इतने दिन यूज करके हो सकता है फ्यूचर में फिक्स हो जाए, बट कुछ बग्स मुझे नोटिस हुए। एक तो मैंने देखा है नेटफ्लिक्स बहुत बार क्रैश कर रहा था ऑटोमेटिकली। इनफैक्ट गाइस आप देख सकते हो कुछ बग्स वगैरह है UI के अंदर जो कि मुझे नोटिस हुआ। हो सकता है फ्यूचर अपडेट में फिक्स हो जाए, बट अभी तो ये हाल है। ओके, बस जो अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मोटो अगर पुश करता है इस UI के अंदर, तो मैं बोलूंगा पहले के तुलना में काफी अच्छा UI है ये जो हेलो UI है। ओ अब गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, एंड परफॉर्मेंस के लिए इस फोन के अंदर आपको 8S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। बट आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि 8 Gen 3 जाना चाहिए था क्योंकि 50,000 के ऊपर का फोन है। 50,000 में अभी जिस प्राइस पर फोन सेल हो रहा है, पिछले कुल एक दो सेल तक तो यही रहेगा, बाद में प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकता है, बट अभी के टाइम पे 50,000 में एक प्रोसेसर के हिसाब से तो ठीक है। बाकी गाइस एक चीज मुझे अच्छा लगा इस फोन के अंदर, आपको अच्छा या फिर बुरा भी बोल सकते हो, क्योंकि इस फोन का एक ही सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल है इंडिया में, 12GB प्लस 512GB का वेरिएंट है। ओके, बाकी अगर प्राइस 256GB का वेरिएंट इंट्रोड्यूस करता तो फिर हो सकता है 3-4 हज़ार प्राइस और कम हो जाता, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने बोला। तो एक फायदा भी है नुकसान भी है, बाकी इसकी वजह से डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में काफी अच्छा स्कोर देखने को मिलता है। अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो प्राय 1.5 मिलियन के आसपास आपको स्कोर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का। इनफैक्ट गाइस डे टू डे लाइफ में मुझे कोई सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, एकदम स्मूथ बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस है। कोई भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करो इतने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है ना, काबिल तारीफ है। इनफैक्ट गाइस मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया है एंड आप देख सकते हो 15 मिनट 30 मिनट एंड 1 घंटे का ग्राफ आप देख सकते हो, पूरा ग्रीन है, कोई से भी थ्रॉटलिंग मुझे देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट गाइस मैंने गेम खेलकर भी देखा है, गेमिंग में 90 FPS का तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है BGMI के अंदर, बट स्मूथ एक्सट्रीम में 60 FPS में काफी अच्छा एंड काफी स्टेबल परफॉर्मेंस दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे कॉन्स्टेंट 60 FPS मिला है। एंड अगर मैं बात करूँ हीटिंग की तो हीटिंग भी मुझे ज्यादा कुछ इशू नहीं देखने को मिला, मैक्सिमम मुझे 42 ये नॉर्मल हीट माना जाता है, तो हीटिंग इशू तो इस फोन के अंदर जरा सा भी नहीं है। इनफैक्ट गाइस जो लोग सोच रहे हैं जायरो के बारे में, जायरो भी काफी अच्छे से करता है, तो गेमिंग को लेकर आपको कोई सा भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि गाइस अब देखो एक गेमिंग फोन तो नहीं है तो इस चीज को जरा सा सोचना, बट अगर आप ऑलराउंडर के हिसाब से एक फोन चाहते हो तो फिर ये काफी बढ़िया फोन हो सकता है आपके लिए। पर जहां पर मोटो ने काफी ज्यादा स्टैंड आउट किया है उसका बैटरी। अब देखो टेक्निकली इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है जो कि आपको सुन के लग सकता होगा थोड़ा सा कम है, स्पेशली 2024 में ज्यादातर जो फोन आ रहा है उसके हिसाब से। बट ट्रस्ट मी गाइस बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन है, इनफैक्ट 4nm टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है उसके ऊपर बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन किया है उसकी मदद से काफी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कुछ दिन 6 घंटा, कुछ दिन 7 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा के अभी मैंने स्क्रीन ऑन टाइम रिकॉर्ड किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैं दे दूंगा। इनफैक्ट गाइस मैं जो जो एप्लीकेशन यूज करता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं दिखाओ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मैं काफी ज्यादा मॉडरेट यूजर हूँ, कुछ कुछ दिन हेवी गेम्स वगैरह भी खेलता हूँ। आप देख सकते हो मैं छोटा मोटा BGMI का सेशन करता हूँ, यूट्यूब वीडियोज देखता हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करता हूं, बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करता हूं, तो ये मेरा डे टू डे लाइफ का यूसेज पैटर्न है, उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया ऑलमोस्ट, के हिसाब से मैं बोलूंगा ह्यूज थम्स अप। बाकी गाइस मैंने आइडियल ड्रेन भी टेस्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो 5G नेट को मैंने यूज करके देखा है, 5G नेट को अगर आप ऑन करके इस्तेमाल करते हो तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास बैटरी ड्रेन हुआ, रात भर मैंने रखा था। ज्यादातर मैं जो सैमसंग का फोन यूज करता हूं इसके अंदर 5G अगर नेट ऑन रहता है तो रात भर मैं इस्तेमाल करने के बाद मुझे सुबह को ऑलमोस्ट 8-9% बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है अगर 5G ऑन रहता है तो। इनफैक्ट गाइज मैंने 4G पर भी टेस्ट किया नेट को ऑफ करके, जैसे कि आप देख सकते हो रात को 11:30 बजे 18% था एंड अगले दिन सुबह को जब मैंने उठा 8:30 बजे आप देख सकते हो 14% हुआ है। फिर से गाइज मुझे 4% ड्रॉप देखने को मिला है नेट ऑफ करके भी 4G पे, तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा 4% मैक्सिमम नेट को ऑन करके एक काफी अच्छा नंबर है आइडियल ट्रेन के हिसाब से। इनफैक्ट गाइज आपको सेटिंग में एक ऑप्शन भी देखने को मिलता है इम्प्रूव द बैटरी वाइल इनएक्टिव, इस मोड को अगर आप ऑन रख कर दे तो फिर डेफिनेटली और भी अच्छा बन जाएगा, तो इस मोड को जरूर से सेटिंग में जाके ऑन कर लेना। बाकी गाइस अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की तो इस फोन के अंदर आपको 15 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 VoNR, इसका मतलब आप 5G की मदद से कॉल कर सकते हो, NFC देखने को मिलता है एंड गाइज मुझे 5G++ देखने को मिला है, जैसे गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। इनफैक्ट गाइज मैं 5G स्पीड टेस्ट भी कर रहा था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे एरिया में इतना ही स्पीड मिलता है जियो का एंड काफी अच्छा मुझे स्पीड भी देखने को मिला है। बाकी गाइज मैं कैरियर एग्रीगेशन भी टेस्ट कर रहा था, 4G+ का सिम्बॉल भी आता है जैसे कि आप
देख सकते हो स्क्रीन पर। बाकी कनेक्टिविटी तो काफी अच्छा है, बाकी कॉलिंग के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ चीजें मैं कह देता हूँ। गाइज मैंने आउटडोर पे बात करके देखा है, मुझे ऐसा कुछ कॉलर वगैरह देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट गाइज इस फोन के अंदर आपको चारों माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऊपर नीचे कैमरा के सामने एंड साइड में। तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर या फिर नॉइस कैंसिलेशन काफी बढ़िया है। आप अगर नॉइस एरिया में रहकर बात करते हो या फिर किसी भी एरिया में हो, नॉइस कैंसिलेशन काफी बढ़िया है। अदर पर्सन जो है वो आपका आवाज क्रिस्टल क्लियर तौर पर सुन पाएगा, इसमें कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप खुद सुन लो। ओके गाइस, तो अभी आपको बताना है ये जो माइक या फिर नॉइस कैंसिलेशन है कैसा है। ऊपर फैन चल रहा है, बाजू में टेबल फैन चल रहा है, तो नॉइस कैंसिलेशन दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं, तो आप बताना कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। ओके ओके गाइस, तो अभी आपको बताना है ये जो माइक या फिर नॉइस कैंसिलेशन है कैसा है। ऊपर फैन चल रहा है, बाजू में टेबल फैन चल रहा है, तो नॉइस कैंसिलेशन दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं, तो आप बताना कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। ओके इनफैक्ट गाइस बहुत सारे लोग ये भी मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इस फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करने पर साउंड अनाउंसमेंट होता है कि नहीं। तो मैडम जो बात करता है वो तो आपको सुनने को मिलेंगे कॉल रिकॉर्डिंग करने पर, बट आप उसको बीप साउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद कॉल सेटिंग में, उसके बाद यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है, तो फिर वो जो बढ़ा चढ़ा के अनाउंसमेंट करता है उसकी जगह पे सिर्फ एक बीप साउंड आएगा। ओके इनफैक्ट गाइस इस फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है, तो इसमें भी आपको कोई सा भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी गाइस इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई सा भी एसडी कार्ड का ऑप्शन इस फोन में नहीं है। फाइनली अगर मैं बात करूँ चार्जिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, ये फोन मैक्सिमम 125 वाट का आउटपुट सपोर्ट करता है। तो 18 मिनट में ये फोन 0 to 100% फुल टू चार्ज हो गया, जो कि एक काफी सही नंबर है 125 वाट के चार्जिंग के जरिए। बट एक अच्छी बात लगी, इस फोन के अंदर आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। गाइस ऑलमोस्ट मुझे 40 से लेकर 45 मिनट लगा 0 to 100% वायरलेस चार्जर के जरिए, 50 वाट के वायरलेस चार्जर के जरिए 100% फुल टू चार्ज करने में। अब गाइस बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरा के लिए इस फोन के अंदर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। कैमरा स्पेक्स है वो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इनफैक्ट सामने भी आपको 50 एमपीएल का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस कैमरास के बारे में कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कलर्स वगैरह है काफी अच्छा है, लाइट कंट्रोल ऑसम है, डिटेलिंग लेवल ऑसम है, लाइट कंट्रोल पीछे से आप अगर हाईलाइटेड पर्सन रहता है या फिर सूरज भी रहता है तो फिर काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, लाइट कंट्रोल काफी अच्छा है इस फोन का। इनफैक्ट फोटो में कोई भी फोटो में डिटेलिंग लेवल काफी अच्छा है। गाइज मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मैंने ऑलरेडी इस फोन के साथ वीवो V30 Pro, Xiaomi 14CV तीनों का कैमरा टेस्ट किया है एकदम डिटेल में। आपको अगर कैमरा टेस्ट देखना है ऊपर आई बटन में उस वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएंगे कैमरा के बारे में। इस वीडियो में मैं कुछ कुछ चीजें कह देता हूँ। बाकी क्या जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए चारों फोकल लेंथ आपको देखने को मिल जाता है, एंड जिसके माध्यम से आप काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो। कुछ कैमरा सैंपल आपको स्क्रीन पर दे दिया है, आप खुद देख सकते हो। इनफैक्ट गाइस मैक्रो फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो इस फोन से, एंड ऑसम क्वालिटी के मैक्रो फोटोज भी आप इस फोन के अंदर क्लिक कर सकते हो। गाइस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वीडियोग्राफी में 4K में अगर आप इससे पहले जो मोटो H50 Pro आया था उसके अंदर 4K में आप अगर रिकॉर्ड करते हैं तो काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता था, बट इस फोन के अंदर वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। काफी स्टेबल फ्रेम रेट आपको देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर, इनफैक्ट स्टेबिलाइजेशन भी काफी अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हो। इनफैक्ट फ्रंट में भी आपको काफी अच्छा 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, एंड फ्रंट कैमरा का स्टेबिलाइजेशन भी मुझे अच्छा लगा। बाकी जैसे अगर आपको डिटेल में कैमरा के ऊपर देखना है वीडियो, तो ऊपर आई बटन उस वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, जरूर से देख लेना। और चीज मुझे काफी अच्छा लगा, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट पे आपको लेंस स्विच का ऑप्शन दिखाई देगा। ये इस प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा रेयर है, इसका मतलब आप अल्ट्रा वाइड कैमरा, मेन कैमरा या फिर टेलीफोटो लेंस तीनों से ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो इंटीग्रेशन किया है मोटो ने, ये इस प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा रेयर है। इस प्राइस पॉइंट के फोन में आपको ये सब फीचर देखने को बहुत ही कम मिलता है, ये चीज के लिए थम्स अप मोटो को। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मोटो के अंदर आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दिखाई नहीं देता इस फोन के अंदर। अभी तक अपडेट देखे मुझे लगा था कि शुरू शुरू में जब आया था अपडेट देखे आ जाएगा बाद में, बट अभी तक नहीं आया। मोटो एज 40 नियो में है, बट मोटो एज 40 50 प्रो के अंदर नहीं है। ये क्यों नहीं है, डेफिनेटली मोटो को देना चाहिए था, क्योंकि इतना अच्छा आपको वीडियो मोटो एज 40 नियो में देखने को मिलता था पोर्ट्रेट वीडियो, बट मोटो एज 50 प्रो में ये फीचर्स नहीं है। तो आई होप कि गाइज मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज का जो वीडियो पसंद आया है। तो बस गाइज मेरे वीडियो में पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।